घर जाऊं। पापा जूस पिया। बैठ जाओ। तुम दोनों कितनी बेफिक्री से यहाँ बैठे हुए। वो मक्कार लड़का वापस आ गया है और शानों को भी वापस रख लिया। बस कर दे पप्पू, आप अभी तक नहीं समझी। क्या मतलब क्या नहीं समझी? मैं सब जान चुका हूँ, आपकी साजिशें और आपका घटियापन। आपने सिर्फ मुझे माँ और उनके शौहर के सामने जलील नहीं किया, बल्कि मेरे और शहर के दरमियान भी दूरी पैदा हो गई है। नसरें नहीं मिला सक रहा मैं माँ से। ये किस तरह तुम मुझसे बात कर रहे हो? फूफो जाएं आप, इससे पहले कि मैं ज्यादा बदतमीजी करूं। जाएं आप यहां से। जा रही हूं मैं, आज रात की फ्लाइट है मेरी। लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर क्लियर करके जाऊंगी, मैंने जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया, अपने भाई के बच्चों के लिए किया। मेरा क्या था? तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ मकाम इस घर में और ऑफिस में मिल जाता। खैर, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा है। बस एयरपोर्ट तो छोड़ोगे ना मुझे? मेरे पास टाइम नहीं है, शब्बीर को माहिर ने निकाल दिया। आप टैक्सी करवा के चले जाना। तुम कुछ नहीं कहोगी? सॉरी पप्पो, आप तो वैसे भी जा रही हैं और मुझे अफान के साथ रहना मेरा शौहर है। जीती रहो, जीती रहो, खुदा हाफिज़।